जानकारी के मुताबिक एक सप्ताह पहले मिर्जापुर क्षेत्र की एक गर्भवती महिला जिला अस्पताल में चेकअप कराने आई। तबीयत खराब होने पर वह अस्पताल में भर्ती होना चाहती थी, लेकिन अस्पताल स्टाफ ने बेड नहीं होने की बात कहकर उसे भर्ती करने से मना कर दिया। उसी समय अचानक डीएम इंद्र विक्रम सिंह अस्पताल निरीक्षण को पहुंचे। महिला ने डीएम से जैसे ही बेड नहीं मिलने की शिकायत की तो डीएम ने महिला से ही सवाल दाग दिया कि कौन सा बच्चा है। महिला ने कहा चौथा। इतना सुनते ही डीएम बोले, चौथा बच्चा पैदा कर रही हो, दो काफी नहीं है। कौन सा बच्चा है तुम्हारा? चौथा बच्चा पैदा कर रही हो? शरण न्या, दो काफी नहीं है। शरण न्या, दो काफी नहीं है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला अधिकारी ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनका मकसद समझाने का था, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। दरअसल वायरल वीडियो में एक गर्भवती महिला को चौथा बच्चा पैदा करने पर डीएम उसे बेशर्म कह रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रतिक्रिया का दौर जारी हो गया है। वायरल वीडियो होने के बाद भारतीय किसान यूनियन ने इस पर महिला को अपमानित करने वाला बयान बताते हुए सोशल मीडिया पर शिकायत दर्ज की है। वहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री से डीएम की इस मामले में शिकायत की है। उधर डीएम इंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि उन्होंने जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान शारीरिक रूप से दुर्बल महिला को देख उसे समझाने का प्रयास किया कि जब परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध है तो चौथा बच्चा की क्या जरूरत थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।